तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट फिनिश किया हूँ एप्पल का इवेंट देखना, जिसको एप्पल बोला लेट लूज। सबसे पहली एक चीज़ तो क्लियर थी कि इस इवेंट में एप्पल आईपैड लॉन्च करेगा, बट इतना अच्छा कुछ लॉन्च कर जाएगा इसका कोई आइडिया भी नहीं था मुझे। ये इवेंट मैं एक्चुअल में ट्यून इन किया था जस्ट एज अ स्पेक्टेटर, बट इतना अच्छा इवेंट हो गया कि मुझे लगा कि ये वीडियो तो मुझे आपके पास जल्दी से जल्दी लेके आना है। सबसे पहली बार दो नए फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स आए हैं, अभी एप्पल पेंसिल को भी हम जोड़ सकते हैं इसमें, तो तीन नए प्रोडक्ट्स हो गए, बट बेसिकली दो नए प्रोडक्ट्स हैं, आईपैड एयर और आईपैड प्रो। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, मैं पूरा बताऊंगा आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को ना एक्चुअल में लाइक का टारगेट है 50 लाइक्स, इतना पहुंचा दो बस। तो दो प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हेवली डिस्कस करूंगा है आईपैड एयर और आईपैड प्रो, बट एक्चुअल में इसमें से एक ही प्रोडक्ट है जिसपे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त पे। आईपैड एयर तो एक एक्चुअल में जस्ट रेगुलर बहुत ही सिंपल सा अपडेट था पिछले वर्जन पे। तो अगर इस नया आईपैड एयर की बात करें तो आपको मिलता है एक नया चिप विच इज़ M2 चिप, और साथ में एक नया साइज विच इज़ 13 इंच का एक नया आईपैड एयर विच विल बी एज बिग एज एन मैकबुक एयर। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आपको स्क्रीन में कैसे मिलेगा ये तो अब आपको स्क्रीन देख के ही समझ में आएगा। नए मैकबुक एयर्स में नॉच आता है, आईपैड एयर में नहीं है। यहाँ पे भी आप साथ में अलग से एक्चुअल में कीबोर्ड्स वगैरह खरीद सकते हैं, तो अगर आपको मैकबुक एयर नहीं चाहिए, आप एक स्टूडेंट है, तो आप iPad Air भी ले सकते हैं 13 इंच का। नेक्स्ट चीज़, इसमें चार कलर्स हैं, तो दो नए कलर हैं, एक पर्पल है और एक ब्लू है, दोनों नए हैं। फिर एक स्टार लाइट और एक ब्लैक कलर्स, तो ओल्ड कलर्स हैं। यहाँ पे iPad Air के बारे में इससे ज़्यादा मैं नहीं बात करूँगा, प्राइसिंग एंड में डिस्कस करते हैं, बट इस वक्त पे सीधा बात करते हैं iPad Pro की, बिकॉज दिस इज़ वेयर द मैजिक हैज़ हैपेंड। iPad Pro 2024 का एक बहुत ही तगड़ा टैबलेट दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है इस वक्त पे इससे अच्छा या पावरफुल टैबलेट वर्ल्ड में कोई सा नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आई थिंक ऑफकोर्स ये बहुत महंगा होगा, तो इसका प्राइसिंग भी एंड में मैं आपको रिवील करता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि iPad Pro में आपको मिलेगा क्या एक सिंपल से बेसिक पॉइंटर्स में। सबसे पहली बात, आपको एक नया M4 चिप मिल रहा है। अब एप्पल ने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली इस नए M4 चिप को किसी मैक के साथ लॉन्च नहीं किया है, जबकि लॉन्च किया है एक नए iPad के साथ। तो ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एप्पल की तरफ से, और ये स्टेटमेंट हमें बस ये बताता है कि एप्पल इज एज कॉन्फिडेंट एंड वैल्यूज द iPad एज मच एज अ मैक प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो M4 का जो पावर कैपेबिलिटी है वो ऑफकोर्स M3 मैक्स या M3 प्रो चिप से कम होगा, बट M3 चिप से ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर में नए मैकबुक एयर्स में भी M4 चिप को देखेंगे। बट यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है iPad Pro से, और ये iPad Pro का जो कीबोर्ड एप्पल ने एक्चुअल में शोकेस किया लॉन्च इवेंट में, नया कीबोर्ड है वो, नया मैजिक कीबोर्ड एक्चुअल में लुक्स अलॉट लाइक जो आपको मैकबुक प्रो में कीबोर्ड मिलता है। उसका जो टच पैड है वो भी काफ़ी बड़ा कर दिया गया, उसमें नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया है उसके एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पे हम रुक सकते थे, बट एक्चुअल में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। iPad Pro में इस बार OLED डिस्प्ले यूज़ किया एप्पल ने, विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड। सेकेंड चीज़, यहाँ पे एप्पल ने बोला है कि वो डेब्यू कर रहा है अल्ट्रा रेटिना डिस्प्ले। अभी तक अगर आप देखेंगे एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स आते थे प्रो रेटिना XDR डिस्प्ले, बट यहाँ पे अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले यूज़ हो रहा है, एंड आई थिंक ये और ज़्यादा इम्प्रूव्ड होना चाहिए पुराने प्रो रेटिना XDR डिस्प्ले से। एप्पल की अगर माने तो दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट एडवांस्ड डिस्प्ले इन द वर्ल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बट आई थिंक अब ये तो अब टेस्ट करने के बाद हमें समझ में आएगा कि कितना अच्छा इस टैबलेट का डिस्प्ले। 1000 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस है, 1600 निट्स पीक HDR ब्राइटनेस है, और एक्चुअल में एप्पल ने बोला कि क्योंकि इसमें M4 चिप है, यहाँ पे आपका जो AI एक्सपीरियंस है विल बी अनमैच्ड बाय एनी अदर iPad और टैबलेट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे M4 एक्चुअल में न्यूरल इंजन जो उसका है इज सो पावरफुल कि दैट इट कैन रन AI टास्क वेरी एफिशियंटली एंड स्मूथली फॉर यू। तो इसको AI का पावर हाउस भी बोला जा रहा है। अब कौन से नए AI फीचर्स इसमें आएंगे वो तो हमें WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में समझ में आएगा कि नए iPad OS में क्या नए AI फीचर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, इसका जो कैमरा सिस्टम है वो भी अल्ट्रा प्रो है, प्रो नहीं बोलेंगे अल्ट्रा प्रो बोलेंगे, बट इसका भी टेस्ट अब तभी कर सकते जब एक बार हमें हाथ में मिल जाएगा। एप्पल ने साथ में इसके साथ एक फाइनल कट प्रो का सेकेंड वर्जन और लॉजिक प्रो का सेकेंड वर्जन अनाउंस किया है। फाइनल कट प्रो तो एक्चुअल में अमेजिंग कर दिया गया है, टैबलेट में उसका एक्सपीरियंस को रिफाइन किया गया, क्योंकि यहाँ पे हम यूजर इंटरफेस को टच करके इंटरेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लिक करके
के जैसा कि हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहली बार एप्पल ने ये भी सुना है कि आपको मिलेगा एक फाइनल कट कैमरा विच इज अ डायरेक्टर्स व्यू। तो आपको चार स्क्रीन आपके टैबलेट में दिखेंगे और वो चार स्क्रीन सिंक्रोनाइज रहेंगे एक्चुअल में चार डिफरेंट आईफोन या आईपैड से, जो एक्चुअल में लाइव फीड आपको देते रहेंगे जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन से एडिटिंग तक बहुत ही ईजी जर्नी मिलेगी विद एन आईपैड प्रो 2024। एंड में एक एप्पल पेंसिल प्रो को भी एप्पल ने हाईलाइट किया। एप्पल पेंसिल प्रो या इट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड आई थिंक सबके लिए नहीं है इसका नीड, बट इफ़ यू आर अ क्रिएटर, इफ़ यू आर समवन हु इज़ यूजिंग दिस आईपैड टू एक्चुअली वर्क प्रोफेशनली, देन अ पेंसिल प्रो मेक सेंस फॉर यू। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ रेगुलर पेंसिल। मैजिक कीबोर्ड एंड द स्मार्ट फोलियो अमेजिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मैजिक कीबोर्ड है ऑलरेडी दिख रहा है एक मैकबुक प्रो कीबोर्ड के जैसे, आई थिंक उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है ये तो आप बिना यूज़ किए नहीं बोले जा सकते। बट इस वक्त पे मेरा ये जो व्यू पॉइंट है ऐसा बन रहा है कि एप्पल इज़ वेरी क्लोज टू रिप्लेसिंग दी मैकबुक और एटलीस्ट दी मैकबुक एयर विथ एन आईपैड प्रो और एन आईपैड एयर। तो इस वक्त पे हम सीधा चलते हैं प्राइसिंग पे, क्या है इसका प्राइसिंग। सबसे पहली बात iPad Air की प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो iPad Air तो बेस वेरिएंट चालू होगा 128 GB से, ये 256 GB, 512 GB और 1 TB में भी अवेलेबल रहेगा। तो इसका बेस वेरिएंट है चालू होगा 59,900 rupees से फॉर दी रेगुलर Wi-Fi मॉडल, और अगर आपको Wi-Fi प्लस सेलुलर चाहिए तो आपको 74,900 rupees देना पड़ेगा। ये 11 इंच का है। अगर 13 इंच की बात करें तो 13 इंच का सिर्फ Wi-Fi मॉडल अगर हम देखेंगे तो 74,900 में चालू होगा और Wi-Fi प्लस सेलुलर विल कॉस्ट यू 4,900। अब iPad Pro की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, बट इससे पहले एक चीज आपको बता दूं, iPad Pro इज एक्चुअली द थीनेस्ट प्रोडक्ट एप्पल हैज एवर मेड। ये एप्पल के iPad Nano से भी ज्यादा पतला है और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा इसको हाथ में पकड़ना और यूज़ करना। आप अगर यूज़ करेंगे लाइफ में तो आप हमें ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इसका प्राइसिंग है वो चालू होता है 99,900 में वाईफाई ओनली मॉडल और ये सिर्फ 11 इंच का है। अगर हम 11 इंच में वाईफाई प्लस सेलुलर जा रहे हैं तो वो आपको पड़ेगा 119,900। अगर हम 13 इंच के iPad Pro के बारे में बात करेंगे तो वो सिर्फ वाईफाई मॉडल में आपको मिलेगा 129,900 में और वाईफाई प्लस सेलुलर आपको मिलेगा 149,900 rupees में। तो ये आपको iPad Air और iPad Pro का प्राइसिंग मिल गया है। नोट कीजिए कि iPad Pro एक्चुअल में चालू होता है 256 GB के बेस वेरिएंट से। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों से भी जरूर शेयर करना।